तो दोस्तों फाइनली आज मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने भारतीय बाजार में अपना सीएनजी अवतार को पेश कर दिया है। साथ ही में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के ब्लैक एडिशन को भी भारतीय बाजार में उतारा गया है, जो कि इंडियन कस्टमर्स के ब्लैक एडिशन की डिमांड को देखते हुए भारतीय बाजार में उतारा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ग्रैंड विटारा सीएनजी के डिटेल के बारे में मिलेगा, ग्रैंड विटारा सीएनजी के अंदर और ये कैसे ये ज्यादा बेटर है अपने पूरे कॉम्पिटिशन में, और क्या इसके प्राइस रहने वाले हैं। और दोस्तों टोयोटा हाई राइडर में अभी तक सीएनजी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो कि ग्रैंड विटारा में सीएनजी अवतार को उतार दिया गया है। दिखने में बहुत शानदार है और बहुत दिनों से भारतीय कस्टमर्स को इंतजार था कि ग्रैंड विटारा कब सीएनजी अवतार को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी, जो कि इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसके वेरिएंट की बात करें तो मारुति सुजुकी ने डेल्टा वेरिएंट में मैनुअल के साथ सीएनजी ऑप्शन को देखने को मिलेगा। कीमत 12,85,000 रुपए रहने वाली है। और वहीं बात करें तो जीटा मैनुअल में 14.84 लाख रुपए के साथ सीएनजी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और वहीं देखा जाए तो इंजन परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन लेंगे तो उसमें अलग पावर देखने को मिलेगी, और वहीं आप सीएनजी के साथ पेट्रोल इंजन में पावर कुछ अलग देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात, ये कार हमको डेल्टा और जीटा वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। दोस्तों जीटा वेरिएंट में सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों ग्रैंड विटारा सेकंड नंबर पर परफॉर्म कर रही है भारतीय बाजार सेल्स में, और ये रनिंग कॉस्ट के मामले में आपको कभी निराश नहीं करेगी। दोस्तों ये कुछ ग्रैंड विटारा की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाते रहेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।